अभी भी ये जो मोहद्दीनगर का सीओ है ये सीओ नहीं है, ये मुखिया का दलाल है, ये सुभाष चौधरी का दलाल है। ये सीओ सीओ के कारण ही इतना बड़ा कांड हो रहा है। इसमें हम समस्तीपुर के एसपी साहब से मांग करते हैं, वो अपने आए और ये मोहद्दीनगर का एसपी सीओ और ये गुंडा जो है इस सभी गुंडा को अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। और जब तक ही गुंडा को अपराध गिरफ्तार नहीं किया जाता है, हम सभी लोग आज तो इतने लोग हैं, आज देखिएगा दिन भर में बढ़ते लोग जाएगा। अकबर अंसारी के सपोर्ट में क्षेत्र में लोग जाग चुका है, अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। मुखिया जो है घंटा बजा रहा है और उसके बाद जा करके ये जो है कुमार कुमार हमको खूब हुड़ियाया है डंडा से, मेरा पूरा पैर का गद बनना हुआ है। हम दो दिन से परेशान हैं, हम परेशान है दो दिन से पैर से लेकर उसके बच्चे घीच करके मारे है लड़कियों को, बहू है सबको मारा, छुड़ाने भैया का तो छुड़ाया, हम बच्चा को कुछ नहीं किया, सब बना रहा है हमको। तनी माता जी अपने ने हो जाओ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन, आप देख रहे हैं वंदे बिहार। आज मोहद्दीनगर में जो अल्पसंख्यक पर जानलेवा हमला किया गया था पूरे परिवार के ऊपर, उसको लेकर आज धरना पर बैठे हैं अकबर अंसारी और उनका साथ दे रहे हैं। आपको पता होगा कि जाने माने मोहद्दीनगर के चर्चित और एकदम मुखर होकर किसी भी जो समस्या जन समस्या लोगों के बीच होती है उसकी आवाज़ बुलंद करते हैं राम मोहन। कोई भी मोहद्दीनगर का कोई ऐसा नेता नहीं है जो किसी भी मुद्दे पर बुलंद होकर आवाज़ समाज का उठा सके, चाहे अपने आप को कितना भी बड़ा नेता का हो। हम यादव का हैं, हम अल्पसंख्यक का हैं, हम ओबीसी का हैं, हम फलाना हैं, हम फलाना डिका, हम फॉरवर्ड का, कोई भी नेता का इतना क्षमता नहीं है कि वो खुलकर बोल सके। लेकिन इकलौते राम मोहन राय जो इस क्षेत्र के नेता हैं वह लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और कुछ ऐसे नेता हैं जो आपको ढकोसलाबाजी करते हैं, फलाना चिन्ह लगा दिया, फलाना चीज़ लगा दिया, हर कोई लगाता है। अगर सिर्फ उसी के लगाने से अगर ये इतना होता तो बात ही अलग होती। लेकिन जिसको लेकर मेरे खिलाफ वह बयान दिया और बात किया कि भाई वो नहीं था, आज वह वीडियो में है, क्यों नहीं प्रदर्शन करने जा रहा है, क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, क्योंकि वह देखिए, और शायद मैंने देखा था राम मोहन राय ने सभी नेता का आह्वान किया था कि आइए, जो आरोपी है जो वीडियो में खुलकर आरोपी क्या खुलकर जो मार रहा है उसका जाँच किया जाए और तुरंत उसे अविलंब गिरफ्तार। कोई भी नेता और कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं आया है, तो इससे पता चलता है कि सारे के सारे नेता मोहद्दीनगर के भ्रष्ट हैं और पुलिस से कहीं ना कहीं इनका लीपापोती चल रहा है, क्योंकि वो भी अपराधी हैं। सबसे बड़ा अपराधी है कि ठगता है जनता को, वो सबसे बड़ा अपराधी है। खैर, जो भी हो, जैसा भी नेता हो, लेकिन राम मोहन राय में वो काबिलियत जरूर है कि लोगों को दुख में जरूर शामिल होते हैं। और आज ऐसा ही वीडियो है, क्या कुछ कह रहे हैं राम मोहन राय और क्या कुछ कह रहे हैं अकबर अंसारी, वो हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद और सारा वीडियो हम आपको दिखाते चलेंगे। चलिए पहले इन दोनों से बात करते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं राम मोहन राय और अकबर अंसारी, आइए सुनाते हैं उनकी बात को। उसी दिन भोर में पहुंचा है, अच्छा पता आज मार होगा तो होगा। जब पिलर हम पकड़े हुए, अकबर जब है ना पिलर में डाले, जैसे मसाला डाले, बस वैसा मार एकदम फाड़ा भीर लिया मुखिया, तब मारना स्टार्ट किया। अरे सब मिलकर आते जाओ, सब मिलकर डंडा लेकर आया, सबको ठकुस दिया। हाँ, जब हम लोग बचाने के लिए गए तो सब कदम पट्टा पकड़ पकड़ कर खींच खींच कर भगाया, सब लेडीज का एकदम पूरा ही करके रख दिया, बेइज्जत करके रख दिया। और हमको जो है ना सब ये पे बालू पर पटक करके एगो डंडा बजा रहे हैं, एगो ये किया है मुखिया जो है डंडा बजा रहा है और उसके बाद जा करके ये जो है कुमार कुमार हमको खूब हुड़ियाया है डंडा से, मेरा पूरा पैर का गद बनना हुआ है।
हम दो दिन से परेशान हैं, हम परेशान हैं दो दिन से पैर से लेकर उसके बच्चे तनी तनी जब किया है चाचा बताने के लिए इसको के पैर पकड़ कर खींच कर मार रहा है माता जी अपने हो जाओ ले लू अभी ले लू मुखिया को माँ मार उसको भोग नहीं होगा जैसा हमारा बच्चा हाथ तोड़ दिया पैर तोड़ दिया छोटा देवर का हाथ तोड़ दिया बुरी तरीके से मारा सब घर में घुस कर मारेगा मुखिया को यही तरीका है भोग नहीं होगा ना ता उस बाप का बच्चा था अकेला यहाँ पे करीम नगर के मुखिया पति को इतना गुंडागर्दी करने का संरक्षण प्राप्त है बड़े बड़े यहाँ के नेताओं से। हम ये कहना चाहते हैं जो भी है मोहती नगर के नेता जो उनको संरक्षण दे रहे हैं आप लोग भी संभल जाइए। आप लोग आग लगाने का काम मोहती नगर में कर रहे हैं, एक परिवार पर अल्पसंख्यक परिवार पर आप लोग अत्याचार और जुलूम ढाने का काम आई गुंडा सबको सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। प्रशासन से हम मोहती नगर पटोरी समस्तीपुर से आग्रह करते हैं जिस प्रकार से मनवानी ये गुंडागर्दी ये संघर्ष कौन है सिंगापुर चाट हाउस वाले मनोज शाह कुमोज शाह मुखिया पति जो कर रहा है सुभाष चौधरी ये मोहती नगर की लोग बर्दाश्त नहीं करने वाला है। आप लोग को जितना सपोर्ट और समर्थन देना है दीजिए, जब मोहती नगर की जनता जाग जाएगा तो इसका सारा जिम्मेवार प्रशासन और यहाँ का जनप्रतिनिधि जो संरक्षण दे रहा है वो लोग होंगे। बहुत दुख की बात है बार बार लगातार अकबर अंसारी और उनके परिवार पर जाइए और दो दिन पहले 26 तारीख को इनके पूरे परिवार पर हमला जानलेवा हमला किया गया। पिछले दो महीना पहले जब ईद था तो ईद से दो दिन पहले भी इनके परिवार पर जानलेवा हमला किया गया था, उस समय भी थाना में आवेदन दिया लेकिन थाना प्रभारी जी आज तक केस नहीं किए। उसी का नतीजा है कि आज इनके परिवार पर चढ़ के और अभी भी ये जो मोहती नगर का सीओ है ये सीओ नहीं है, ये मुखिया का दलाल है, ये सुभाष चौधरी का दलाल है, ये सीओ सीओ के कारण ही इतना बड़ा कांड हो रहा है। इसमें हम समस्तीपुर के एसपी साहब से मांग करते हैं वो अपने आए और ये मोहती नगर का एसपी सीओ और ये गुंडा जो है ये सभी गुंडा को अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और जब तक ही गुंडा को अपराध गिरफ्तार नहीं किया जाता है हम सभी लोग आज तो इतना लोग हैं आज देखिएगा दिन भर में बढ़ते लोग जाएगा। अकबर अंसारी के सपोर्ट में क्षेत्र में लोग जाग चुका है, अब बर्दाश्त करने वाला नहीं हो गया।